हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। हाँ, ये जीके का पेपर है, सब्जेक्ट कोड 0B, 200 अंक का है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चनों के हल करना है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, गजब के क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इस वीडियो के क्वेश्चनों को देखें, पूरा देखें, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिख जाए। पहला क्वेश्चन, इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण पहना जाता है। देख लीजिए, ये कल्चर का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका आंसर होगा 1 नंबर, सिर पर। क्वेश्चन नंबर 2, विजयदान देता का संबंध है? इसका आंसर होगा 4 नंबर, लोक साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 3, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3 नंबर, चौहान। क्वेश्चन नंबर 4, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांड था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1, राणा पूंजा। क्वेश्चन नंबर 5, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 2 नंबर, राव चंद्रसेन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थान को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 2 नंबर, आहड़। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? इसका आंसर होगा 3 नंबर, 1574 ईस्वी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, जीके के लगभग इसमें 100 क्वेश्चन है, सभी के संबंधित है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर। हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत है? 10.41। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, नदी और सहायक नदी? 9 का आंसर होगा 1, गंभीर मेसवा, ये सुमेलित नहीं है। प्लीज़ आप नहीं वाले क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? 10 का आंसर होगा 4 नंबर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्षेत्र और स्थान दे रखा है, नीचे कूट दे रखे हैं, इसको मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 2 नंबर, CADB। तो आप देखेंगे कि 1, डूंगरपुर बांसवाड़ा, 1, प्रतापगढ़, इसका आंसर ये हो जाएगा वागड़। दूसरा है, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, बोमट। आबू पर्वत खंड 3 का आंसर होगा डी, अर्बुद। कोटा बूंदी और बारा क्षेत्र, इसका आंसर होगा बी, आड़ोती। इस तरह आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंग अनुपात की कमी आई है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है राजसंबंध, चुरू, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, कथन एस कारण आर दे रखा है, कथन एस, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कारण आर, राज्य में जलवायु तथा
उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो तेरा का आंसर होगा एक नंबर, एस तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सुमेलित कीजिए जिला और पर्यटन स्थल दे रखे हैं, अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा तीन नंबर, अलवर। अलवर में चार पांडुपोल, अजमेर, अजमेर का सी सोनी जी की नसिया, बीकानेर, बीकानेर में बी कोलायत, भरतपुर डिग ए। इसका आंसर होगा तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो कच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा चार नंबर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 17 का आंसर होगा तीन नंबर, दो जिलों में, तीन, इसके आगे लिख रखा है दो आ गया, कितने जिलों में है, दो जिलों में। इसका आंसर होगा तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर होगा एक नंबर, हरमट। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती है। इसका आंसर होगा एक नंबर, दक्षिणी पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 20, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा दो नंबर, एक सिंह वाले भारतीय गेंडों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 21 का आंसर दे रखा है तीन नंबर, ए तथा बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष रखा जाता है। 23 का आंसर होगा चार नंबर, 1921। इसका आंसर होगा 1921, चार नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। इसको ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है प्लीज। 25, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। इसका आंसर होगा बांग्लादेश, तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। 26 का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा दो नंबर, ए बी सी डी सही है, दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 28 में एक वोट का चयन करना है आपको। 28 का आंसर होगा एक नंबर, ए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। 29 का आंसर होगा दो नंबर, टीकाराम पालीवाल। 30, निम्नांकित में से
राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? 30-30 का आंसर होगा। दो नंबर सही कूट का चयन करना है। दो में है ए और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 31-31 का आंसर होगा। दो नंबर बरकतुल्लाह खान आर डी माथुर। 32, निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधित मंत्रिमंडल समिति के हैं? 32 का आंसर होगा। तीन नंबर सही, इसमें भी सही कूट का चयन करना है आपको। आप देखेंगे कि 32 का आंसर होगा। तीन नंबर, तीन में लिख रखा है ABC सही है। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? 33 का आंसर होगा एक, राजस्थान के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 34 का आंसर होगा। दो नंबर हरिदेव जोशी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समिति का प्रावधान किया गया? 35 का आंसर होगा। तीन नंबर 2000। 36, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? 36 का आंसर होगा। दो नंबर अलेक्जेंडर मुडीमेन। 37, निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि होगी किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक राजनीतिक तथा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? 37 का आंसर होगा एक, सैमुअल हंटिंगटन। एक नंबर आंसर। 38, भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? 38 का आंसर होगा। दो नंबर मोरारजी देसाई। 39, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 39 में एक नंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 40, किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए निम्न इनमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ ही संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? क्वेश्चन नंबर 40 को थोड़ा इसमें मिस्टेक है, गलत क्वेश्चन हो गया ये, इसका आंसर नहीं बता सकता। 41, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? 41 में आंसर होगा तीन नंबर अनुच्छेद 315। 42, निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? 42 का सही कूट का चयन करना है। ए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। बी, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। सी, अध्यक्ष रेल बोर्ड। 42 का आंसर होगा चार नंबर। ABC सभी सही है। ABC तीन ही दे रखा है तो तीनों सही है। 42 में चार। 43,
सूची एक सूची दो को के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। पुस्तकों के लेखकों के नाम जगदीश भगवती, जोसेफ स्टिंग लीटस, सी अलरिक बेक, चौथा मिल्टन फ्रीडमैन। तियालीस का आंसर होगा दो नंबर। दो एक चार तीन जगदीश भगवती, दो इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जोसेफ स्टिंग लिटर्स, बी इसका आंसर होगा एक नंबर। मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, अलरिक बेक, सी का आंसर होगा चार नंबर। व्हाइट इज ग्लोबलाइजेशन, डी मिल्टन फ्रीडमैन, इसका आंसर होगा तीन नंबर। कैपिटलिज्म एंड क्रिट क्या है ये इवेंट ओह एंड फ्रीडम, इस तरह 43 का आंसर होगा दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपति में से कौन से निर्विरोध निर्वाचन हुए। 44 का आंसर होगा तीन नंबर। ए और सी सही है। ए में क्या है, एस राधाकृष्णन, सी एम हिदायतुल्ला। 45 असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। 45 का आंसर होगा तीन नंबर, 1985। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 46 का आंसर होगा चार नंबर। 304 है राष्ट्रपति की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों के न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। 47 का आंसर होगा दो नंबर, 262। क्वेश्चन नंबर 48, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया। 48 का आंसर होगा एक नंबर, जॉन फोस्टर डलेस। 49 क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है। इसका आंसर होगा तीन नंबर, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 50, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन हुई। 50 का आंसर होगा तीन नंबर, जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 51, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा चार, एचएसएन प्लान। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 52 का आंसर होगा तीन नंबर, 52 का आंसर होगा तीन नंबर। चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992। क्वेश्चन नंबर 53, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नांकित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई। क्वेश्चन नंबर 53 दो नंबर, ब्राह्मणी बनास परियोजना, आंसर होगा दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेटर खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है। 54
54 का आंसर होगा चार नंबर खलील अहमद। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई। 55 का आंसर होगा दो नंबर राजकीय विद्यालयों के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर वर्तमान का देखें, आप इस तरह देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर का उद्देश्य यही है करंट अफेयर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 56, भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है। 56 का आंसर होगा तीन नंबर राजमाता विजया राजे मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 57, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा चार नंबर 50,000। 58, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की गई है। 58 में एक दिशारी। 59, राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है। 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। आंसर होगा दो नंबर। 60, निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है। 60 का आंसर होगा चार नंबर चुरू। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की। 61 का आंसर होगा एक नंबर 2 जुलाई 2018। 62, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है। 62 का आंसर होगा तीन नंबर 40.92। क्वेश्चन नंबर 63, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 4-16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि कितनी रही है। 63 का आंसर होगा एक नंबर 3.2%। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है। 64 का आंसर होगा चार नंबर NNPFC। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है। 65 का आंसर होगा चार नंबर 2011-12। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित कथनों को पढ़े। ए, राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। 2, NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्यांश को घटा देते हैं। 66 का आंसर होगा तीन नंबर, दोनों ए व बी दोनों सही है। तीन नंबर 67, निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं आता है। 67 का आंसर होगा दो नंबर 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच। दो नंबर 68, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। दिए गए सभी विकल्प। 69, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तीन नंबर, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। तीन नंबर आंसर होगा ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि इनमें निम्न की पहचान की जा सके।
सत्तर, सत्तर का आंसर होगा तीन व्यक्तिगत की। इकहत्तर, किन प्रतियोगी सॉरी जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है। इकहत्तर, इकहत्तर में दो नंबर प्रभाव का नियम। बेहतर, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। बेहतर, बेहतर में तीन नंबर बुद्धि। क्वेश्चन नंबर तिहत्तर, बुद्धि लब्धि के आईक्यू के परिकलन का सूत्र है। तिहत्तर, तिहत्तर का दो नंबर एम ए बटा सी ए गुणा सो। क्वेश्चन नंबर चौहत्तर, रोडसा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है। चौहत्तर, चौहत्तर में आंसर तीन, पांच काले व सफ़ेद तथा पांच बहुरंगी कार्ड। आंसर तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर पिचहत्तर, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता है। पिचहत्तर, पिचहत्तर में एक नंबर हल। क्वेश्चन नंबर छिहत्तर, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। छिहत्तर, छिहत्तर का आंसर होगा एक नंबर 64। 76 का आंसर होगा एक नंबर 64। 77, क्वेश्चन नंबर 77, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के कार्यस्थान में परिवर्तन लाना चाहती है। 77 है। 77 का आंसर 4 नंबर व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 78, अभिरुचि अभिवृद्धि उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है। 78, 78 का आंसर होगा 3 नंबर व्यक्तिगत भिन्नता। 79, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। 79 का आंसर होगा 3 नंबर सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर। 80, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। 80 का आंसर होगा 4 नंबर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नांकित में से थोंडाई के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। 81, दो नंबर अभ्यास का नियम। आंसर होगा दो नंबर। 82, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। 82 का तीन नंबर, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये इसका आंसर होगा तीन नंबर। 82 का आंसर होगा तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर 84, सृजनात्मकता की विशेषता है। 4 नंबर, दिए गए सभी विकल्प। 83 में 4 नंबर। 84, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। 84 का आंसर होगा 3 नंबर, ए तथा बी दोनों सही है। 85, अधिगम बाधित असमर्थ है बच्चे अधिगम कालिस्तान होते हैं। 85 का आंसर होगा 4 नंबर, निम्न उपलब्धि वाले। 86 मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। 86 का आंसर होगा 3, बालक केंद्रित। 87 गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल से में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया। 87 का आंसर होगा 2, 120। 88 मुकाम प्रसिद्ध है। 88 का आंसर होगा 2 नंबर, विश्नोइयों के लिए। 89 कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। 89 का तीन नंबर, महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। 90, क्वेश्चन नंबर 90, श्रीमती रमा देवी
राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया। नब्बे, नब्बे में दो नंबर। इक्यानवे, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी। इक्यानवे, इक्यानवे में एक तीन वर्ष। बानवे, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? बानवे, दो नंबर। मानगढ़ बांसवाड़ा में, दो नंबर आंसर होगा दो, बांसवाड़ा। तिरानवे, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है? तिरानवे, तिरानवे का आंसर होगा चार नंबर, बीलो से। चौरानवे, क्वेश्चन नंबर 94, किस राज्य के प्रधानमंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस बनाया? चार नंबर, जोधपुर। आंसर होगा चार नंबर, जोधपुर। पचानवे, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? 95 का आंसर होगा एक नंबर, गुजर प्रतिहार। 96, किस दुर्ग को गढ़ भी थली नाम से भी जाना जाता है? 96 का आंसर होगा एक नंबर, तारागढ़ किला अजमेर। 97, बापूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलुक गांव। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। जीके के क्वेश्चन है शानदार, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 98, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 98 का आंसर होगा दो नंबर, एक नवंबर 1956। 99, क्वेश्चन नंबर 99, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? इसका आंसर होगा एक नंबर, कोटा। क्वेश्चन नंबर 100, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में दो बार आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 100, 100 का आंसर होगा दो नंबर, सीकर। जीण माता का मेला वर्ष में दो बार लगता है, जीण माता कहाँ पर है? सीकर में। इसका आंसर होगा दो नंबर, सीकर। इस तरह आप देखेंगे कि ईआरपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से जीके के क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। प्लीज़ पूरी तरह से आप देखेंगे कि ईआरपीएससी के पूछे गए प्रश्नों जैसे ही हैं। प्लीज़ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ईआरपीएससी के लेवल तक ही है। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइबर करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, दोस्तों तक पहुँचा।